हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की रेसिपी है मंचूरियन की रेसिपी। और हाँ, अगर अभी तक आपने फ्रूट सलाद वाली रेसिपी नहीं देखी तो जल्दी से ऊपर वाले आई बटन पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए मंचूरियन की रेसिपी शुरू करते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स की पूरी लिस्ट मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख रखी है, तो आप एक बार वो चेक कर लीजिए। यहाँ पे हमने लिए हैं 3 आलू, जिसको हमें छीलना है अच्छी तरीके से। अभी हम तीनों आलू को अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस किए हुए आलू का सारा पानी निचोड़ लेना है और उसको अच्छे से पानी से वॉश कर लेंगे। अब ये वॉश करके एकदम तैयार है आलू, उसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसमें हमें एक कटोरी कॉर्नफ्लोर डालना है। अब हम उसमें डालेंगे एक कटोरी ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा। अब हम तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें आपको ज़रा भी पानी नहीं डालना है। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून गार्लिक की पेस्ट, 1 टीस्पून सोया सॉस। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हाँ दोस्तों, मंचूरियन बनाने के 5 या 10 मिनट पहले ही इसमें ये सब इंग्रेडिएंट्स मसाले डालें, क्योंकि एक बार नमक डालने के बाद आलू जो है वो अपना पानी छोड़ना स्टार्ट कर देगा। तो हमें इस तरह से सबको मिक्स करके आटे की तरह पूरा उसको गूंध लेना है। अगर ये बहुत ज़्यादा ढीला हो गया तो मंचूरियन बॉल्स अच्छे से नहीं बन पाएंगे। इसी वजह से मैंने आपको सजेस्ट किया कि मसाले जो है वो 5 मिनट पहले ही इसमें ऐड करें। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि अब ये अच्छे से तैयार है कि नहीं, इसके बॉल्स बन पा रहे हैं या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरा अच्छे से बन पा रहा है। अगर आप चाहें तो इस तरह के मंचूरियन के छोटे छोटे बॉल्स तैयार करके पहले से ही रख सकते हैं। उतनी देर में हम तेल गर्म होने के लिए रख देंगे। अब तेल अच्छे से आ चुका है, आपने जो मंचूरियन बॉल्स तैयार किए थे वो इसमें डाल दीजिए। या तो फिर मैं जैसे इसे पकौड़ों की तरह बना रही हूँ वैसे भी आप बना सकते हैं, क्योंकि मुझे इस तरह से मंचूरियन ज़्यादा पसंद है। मंचूरियंस को तलते वक्त 2-3 बार उसको अच्छे से चलाना है। हमें इसको लाइट ब्राउन होने तक तलना पड़ेगा। अब ये लाइट ब्राउन हो चुके हैं, इसको हम टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से मैं अपने सारे मंचूरियंस बना लेती हूँ। तो अब हम मंचूरियन सूप के लिए सूप की तैयारी कर लेते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स में हमें चाहिए सबसे पहले बारीक कटी हुई हरी मिर्च जो कि हमने 3 ली है, ग्रेटेड कैबेज जो कि 1 बाउल है, बारीक कटा हुआ अदरक 1 टेबलस्पून, गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। तो सबसे पहले हमें 3 टेबलस्पून तेल गर्म होने के लिए रखना है। तेल गर्म होने के बाद उसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ जिंजर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, गार्लिक की पेस्ट। अब इन सबको अच्छे से फ्राई होने के लिए रख देना है।
अब हम उसमें डालेंगे कैबेज। फिर से सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। नाउ वी विल ऐड 2 टेबलस्पून ऑफ सोया सॉस। ऐड 2 टेबलस्पून चिली विनेगर। नाउ ऐड 1 टेबलस्पून ऑफ रेड चिली सॉस। एंड 1 टेबलस्पून ऑफ ग्रीन चिली सॉस। अब हमने 2 टेबलस्पून मैदे में थोड़ा सा पानी डाल के एक मिक्सचर तैयार किया है सूप के लिए, वो इसमें डाल देंगे। सब अच्छे से मिक्स करके कुक होने के लिए रखेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे। आपको जितना सूपी रखना है उस हिसाब से पानी डालिए। मैंने यहाँ पे 1 ग्लास डाला था। सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप। अब सूप में हम अपने मंचूरियन बॉल्स डाल देंगे। अब हमें इसको हाई फ्लेम पे अच्छे से पकाना है ताकि मंचूरियन बॉल्स अंदर से सॉफ्ट हो जाए। अब हमारा मंचूरियन सूप एकदम रेडी है। तन्नी से उसको गार्निश कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना यम्मी दिख रहा है और खाने में भी ये एकदम टेस्टी था। तो इस रेसिपी को जल्दी से घर पे ट्राई करो और हाँ, कैसा बना है वो फिर से वापस आके कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। तो नेक्स्ट वाली रेसिपी आपको कौन सी देखनी है, पिज़्ज़ा की रेसिपी या फिर फालूदा की रेसिपी, ऊपर वाले आई बटन पर क्लिक करके जल्दी से वोट कीजिए। तो उस हिसाब से मैं आपके लिए रेसिपी लाऊंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बाजू में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। मैं आती रहूंगी इसी तरीके के वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।